फ्रेंड्स, हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपको डबल बॉर्डर बनाना बताऊंगी जो कि काफ़ी खूबसूरत लगता है और जो मैं बताऊंगी बहुत ही आसान तरीका से बताऊंगी ताकि आपको समझ में आ जाए। और इसके लिए हमने दो कलर का ऊन लिया है, एक ऊन हमने गोला वाला लिया है जिससे मैं बॉर्डर तैयार करूंगी, और दूसरा ऊन हमने रेड कलर का लिया है जी जो ये हेल्प के काम करेगा बॉर्डर बनाने में। ये अपने बॉर्डर बनाने वाले कलर से एकदम अलग कलर का ये ऊन लेना होता है फ्रेंड्स। अब मैं बनाना बताती हूँ इसके। और ये हमने सिलाई लिया है जो हमारा ये 12 नंबर का है। एक्चुअली मेरा ऊन पतला है इसलिए हमने 12 नंबर का सिलाई लिया है। अगर आपका ऊन मोटा हो तो आप कम का लेना, 11-10, जिस मुताबिक आपका ऊन होगा उसी मुताबिक आप सिलाई का यूज करना। इसके लिए हमने ये 12 नंबर का सिलाई लिया है। अब सबसे पहले इस ऊन को हम छोड़ देंगे फ्रेंड्स। सबसे पहले जो हेल्प के लिए हमने ऊन लिया है उस ऊन को लेंगे जो हमारा छोटा है साइज में। आप अपने स्वेटर के अनुसार या जो भी बुन रहे उसके अनुसार जितना फंदा तैयार करो उसके अनुसार आप छोटा बड़ा ले सकते हो। अब मैं क्या करूँगी, लेफ्ट हैंड में इस सिलाई को पकड़ूँगी लेफ्ट हैंड में, और फिर ये हाथ जिस और उंगली की सहायता से इसे रेड ऊन को भी दोनों को साथ में मैं पकड़ लूँगी। इस तरह अंगूठे से दबाकर सिलाई और ऊन को, जो रेड कलर का ऊन है जो हमने हेल्प के लिए लिया सिर्फ थोड़ा सा ऊन, उसे मैं इस तरह सिलाई के साथ अंगूठे से दबाकर पकड़ लूँगी ताकि ये छूटे नहीं। अब मैं पहला फंदा बनाऊंगी फ्रेंड्स। पहला फंदा बनाने के लिए हम लेफ्ट में सिलाई पकड़े हुए हैं और राइट में हमारा ये रेड वाला ऊन है जो हेल्प के रूप में लिए हैं। इसे मैं क्या करूंगी, इस उंगली पर इस तरह लपेट लूंगी और यहाँ से इस तरह एक सिलाई डालूंगी और एक फंदा हमारा इस तरह देखो तैयार हो गया। फिर इस उंगली के राइट साइड से इस तरह घुमाऊंगी, फिर मैं अंदर से निकाल लूँगी सिलाई को दूसरा फंदा, फिर इस तरह घुमाऊंगी, फिर अंदर से निकाल लूँगी सिलाई को और उंगली बाहर की ओर ले आऊँगी, छोड़ दूँगी, ये तीसरा फंदा देखो। फिर इस तरह लपेटा और फिर इसमें सिलाई अंदर की ओर डाला और उंगली निकाल लिया ऊन से और इसे हल्का सा, ज़्यादा ज़ोर से खींचना नहीं है फ्रेंड्स। ये हमारा जो फंदा है वो ढीला ही रहेगा। देखो किस तरह ये आराम से इधर उधर घूम रहा है, बिल्कुल ढीला ढीला फंदा रहेगा, टाइट फंदा नहीं रहेगा। उसी तरह देखो, फिर मैं उसी तरह फंदे बना लूँगी। आप अपने ज़रूरत के अकॉर्डिंग बना लेना फ्रेंड्स। मैं आपको बता रही हूँ थोड़े से फंदे बना के। इस तरह हमने घुमाया, अंदर से निकाला और हल्का सा खींचा, ज़्यादा तेज नहीं खींचना है, इसे टाइट ज़्यादा नहीं करना है। इस तरह मैं फंदे तैयार कर लेती हूँ। हाँ फ्रेंड, इसी तरह मैं लगभग ये 25-30 फंदे हमारे तैयार हो चुके हैं और हमारा ये ऊन छोटा हो गया है। आप ध्यान रखना, हमने थोड़े से फंदे लेने थे इसलिए हमने इस ऊन को छोटा ही लिया। अगर आपको ज़्यादा फंदे लेने हो तो ये जो सपोर्ट वाला ऊन है इसे और लंबा लेना ताकि हमारा पूरा फंदा तैयार हो जाए। अब मुझे क्या करना है, ये हमारा सिलाई लेफ्ट हैंड में ही रहना है और अब हमें ये जो हमारा जिससे हमारा बॉर्डर बनना है इस ऊन को मैं इस उंगली से इस तरह पकड़ लूँगी, इसे अंगूठा से दबा लूँगी फ्रेंड्स इस तरह और इस तरह। और जो हमारा पहला जो
हमारा फंदा होगा उसे मैं सीधा बुनूंगी, सिंपल। बाकी सब फंदे को ही मैं सीधा ही बुनूंगी। देखो इस तरह सिर्फ सीधा बुनना है आपको। और किस ऊन का इस्तेमाल करना है? जिस ऊन से मैं बॉर्डर तैयार करने जा रही हूँ, इस तरह। देखो ज़्यादा खींच कर नहीं करना है, हल्के हाथों से ये बॉर्डर बनाना है। पूरा मैं सीधा बना ले रही हूँ। सीधा हम सिलाई सामने से डालते हैं और फोल्ड करके निकाल लेते हैं। हमने सीधा उल्टा बुनना अपने वीडियो में बताई हूँ फ्रेंड्स, उसमें मैं ये लिंक डाल दूँगी। इस तरह आप सीधा बुनते जाना। और इस तरह बीच में ये आपका धागा देखना लंबा होता जाएगा। इस तरह हल्का सा, इसी तरह मैं पूरा सिलाई फ्रेंड्स इस तरह खींच के धीरे से, आप एक साथ सारा फंदा को एक साथ होना चाहिए इस कांटे पे, इस तरह बना लूँगी। ज़्यादा ज़ोर से नहीं खींचेंगे फ्रेंड्स, हल्के हाथों से बस, क्योंकि नीचे वाला फंदा मुझे खोलना है, हटाना है, इसलिए हल्का सा सिर्फ। देखो मैं हल्का सा सिर्फ इस तरह यहाँ तक ले आती हूँ। पूरा फंदा मैं इसी तरह सीधा बुन लूँगी। तरह देखो फ्रेंड, हमने पूरा फंदा सीधा बुन लिया। इस तरह फ्रेंड अब हमारा लास्ट का मात्र 3 फंदा बचा है, इसे भी सीधा बुन लूंगी हल्के हाथों से इस तरह खींच के। इस तरह हमने सारे फंदे बुन लिए फ्रेंड्स, हल्के हाथों से, ज़्यादा खींच के नहीं बुनना है। इस तरह देखो हमारा जो सपोर्ट वाला ऊन है ये नीचे आ गया, और हमारा जो जिससे मैं बॉर्डर तैयार करूँगी ये ऊपर में आ गया। अब मैं इस सिलाई को राइट हैंड से लेफ्ट हैंड में वापस डालूँगी। हमने सीधा बुना था फ्रेंड्स, इस बार मैं उल्टा बुनूँगी, जैसे उल्टा सीधा स्वेटर के लिए बुनते हैं वैसे ही। ऐसे ही मुझे 6 काटा 6 सिलाई बुनना होगा। अब मैं इसे जब बाहर से नहीं अंदर से ऊन डालकर, और फिर मैं पूरे सिलाई को उल्टा बुनूंगी इस तरह। अब आपको नॉर्मल हाथ चलाना है, ज़्यादा ढीला नहीं। इस तरह आप उल्टा बुनूंगी सारी सिलाई को। ये हमारा दूसरा सिलाई है फ्रेंड्स। पहला सिलाई हमने सीधा बुना था, और दूसरा सिलाई हमें इस तरह अंदर से सिलाई को डालते हुए, अंदर से निकाल कर घर गिराते हुए हमें उल्टा बुनना है। अगर आपको उल्टा नहीं आता तो फिर आप मेरे वीडियो को देख सकते हो, उल्टा सीधा बुनना हमने सिखाया है अपने वीडियो में, जिसका लिंक में नीचे डाल दूंगी। इस तरह हमारा दूसरा सिलाई भी हो गया फ्रेंड्स। अब 3 फंदे बचे हैं, इसे भी मैं उल्टा बुन लूंगी इस तरह। लास्ट फंदा भी उल्टा बुन लूंगी इस तरह। अब फिर क्या करना है, फिर सिलाई को लेफ्ट हैंड में लेना है, और फिर क्या करना है फ्रेंड्स, आप इसे जब मैंने पहला सिलाई सीधा बुना, दूसरा सिलाई उल्टा, और वापस पहला सिलाई मैं सीधा बुनूंगी, जस्ट लाइक जैसे आप सिंपल स्वेटर तैयार करते हो। तीसरा सिलाई मैं सीधा बुनूंगी सामने से डालते हुए, इस तरह से डबल फंदा
तैयार करते हैं तो बहुत अच्छा इसका फिनिशिंग आता है फ्रेंड्स। और भी तरीके हैं डबल फंदे तैयार करने का जो मैं अपने वीडियो में बताऊंगी, लेकिन इस तरीका से इसका फिनिशिंग काफ़ी अच्छा आता है। अब मैं तीसरा सिलाई सीधा पूरा बुन लूँगी। इस तरह फ्रेंड्स हमारा तीसरा सिलाई भी पूरा लगभग तैयार हो गया, बस तीन फंदे बचे हैं, इसी में बुन लूँगी पूरा सीधा। तीसरा सिलाई हमारा बन गया फ्रेंड्स। देखो हमारा जो ऊन है सपोर्ट वाला वो नीचे रह गया और बाकी सब ऊपर से हमारा उल्टा सीधा बुना गया। अब मुझे उल्टा बुनना होगा फ्रेंड, इसलिए इसे सिलाई को फिर लेफ्ट हैंड में लेकर और मैं फिर चौथा कांटा जो है उल्टा बुन दूंगी इस तरह अंदर से डालते हुए। और हाथ एकदम नॉर्मल चलाना है फ्रेंड्स, ना ज़्यादा खींचकर और ना ज़्यादा ढीला, ताकि हमारा बुनाई सुंदर सा दिखे। इस तरह मैं इस सिलाई को भी पूरा उल्टा बुन दूंगी। चौथा कांटा भी हमारा लगभग लास्ट हो गया फ्रेंड्स, दो सिलाई बचा है, इसे मैं उल्टा बुन देती हूँ। अब हमारा ये पांचवा सिलाई होगा जो कि मैं फिर लेफ्ट हैंड में इसे टर्न करूँगी लूँगी और फिर मैं पांचवा सिलाई सीधा बुनूँगी। पहला सिलाई हमने सीधा बुना, दूसरा सिलाई हमने उल्टा, तीसरा सिलाई हमने सीधा बुना, चौथा सिलाई उल्टा, फिर पांचवा सिलाई मैं सीधा बुन रही हूँ इस तरह। तरह पांचवा सिलाई मैं पूरा सीधा बुन दूंगी सिंपल आगे से सिलाई डालते हुए। ये बहुत ही आसान तरीका है और इजी तरीका है, आप इजीली डबल बॉर्डर बना सकते हो और इसका फिनिशिंग भी काफ़ी अच्छा आता है। अब ये मेरा पांचवा सिलाई भी पूरा हो गया फ्रेंड्स, एक फंदा बचा है उसे भी मैं बुन लेती हूँ। इस तरह हमारा ये पांचवा सिलाई भी उल्टा सीधा पूरा हो गया, ये देखो हमारा इतना बुन गया। अब मैं छठा सिलाई बुनूंगी, फिर लेफ्ट हैंड में लेकर, हमने सीधा बुना था नेक्स्ट टाइम, अब मैं उल्टा बुनूंगी और छठा सिलाई मेरा लास्ट सिलाई होगा। इसके बाद हम डबल फंदा बनाएंगे, डबल डबल बॉर्डर बनाना बताऊंगी। ये देखो फ्रेंड्स हमने छठा लास्ट सिलाई हमें उल्टा सीधा बुनकर ख़त्म करना है, ये हमारा छठा उल्टा बुना रहा है। ये छठा सिलाई भी हमारा पूरा उल्टा बुना गया, दो फंदे बचे हैं, इसे भी मैं इस तरह बुन लूँगी। ये देखो फ्रेंड्स हमारा पूरा छह सिलाई बनकर तैयार हो गया। ये हमारा छह सिलाई बनकर तैयार हो गया और हमारा जो सपोर्ट वाला ऊन था इसे नीचे रह गया और हमने छह सिलाई उल्टा सीधा बॉर्डर वाले ऊन से बुन दिया। अब हमें क्या करना है फ्रेंड्स, आप ध्यान से देखो इसको। अब जो हमारा ये रेड वाला ऊन है जो हमने हल्के हाथों से बुना था इसे हमें खोलना है। इस तरह आप एक कांटा लो और इसे हटाओ और आप जैसे ही इसे हटाओगे फ्रेंड्स खोलोगे आपको एक एक इसमें लूप दिखता नज़र आएगा खुला हुआ। देखो मैं हटा रही हूँ, सिंपल सा ये हमने इस तरह से धागा खींचा, एक लूप, देखो ये एक लूप निकल कर बाहर आ गया, इसे मैं इस कांटे पे चढ़ा लूँगी इस तरह पकड़ लूँगी, वापस इसे
खोलूँगी। देखो अब ध्यान से देखो, ऊपर वाला जो धागा है, ये जो सबसे ऊपर जो ये धागा निकला हुआ है, इसे मैं पकड़कर हल्के हाथ से खींच लूँगी। ये हमारा दूसरा लूप निकल के वापस बाहर आ गया। देखो इसे मैं वापस इसमें डाल लूँगी। इसी तरह तीसरा भी सबसे ऊपर वाला जो धागा है रेड कलर का, उसको मैं ऐसे पकड़ के खींच लूँगी। और ये तीसरा लूप भी हमारा देखो बाहर आ गया है। ये लूप देखो, हमारा लूप आता जा रहा है। जो हमने पहला घर बनाया था फंदा, उसे मैं खोल रही हूँ वापस वापस। ऊपर वाला ऊन से ये रेड वाला ऊन खोलूँगी और फिर इस सिलाई पर चढ़ाते जाऊँगी। फंदा गिरना नहीं चाहिए फ्रेंड, नहीं तो हमारा स्वेटर खुल जाएगा। और फिर अंगूठे के सहायता से इसे वापस दबा दूँगी सिलाई को, कि हमारा लूप खुले नहीं। वापस इस ऊन को मैं खींचूँगी, एक बार खींचूँगी, एक लूप हमारा निकल कर सामने आएगा। इसे फिर भी मैं देखो, आप ध्यान से देखो, हमारा लूप बाहर निकल के आ गया। मैं वापस देखो, सबसे ऊपर वाला जो लूप है, इस तरह इसको दबा दूँगी। जो सबसे ऊपर वाला जो रेड कलर का ऊन है, उसे मैं खींच लूँगी इस तरह से पीछे कर कर। देखोगे आप, एक लूप बाहर निकल आया, इसको मैं इसमें डाल दूँगी। इसी तरह मैं सारा पूरा नीचे का खोल लूँगी इस तरह। हमारा ऊन बाहर आया और इस तरह लूप बाहर निकल के आ गया। इस तरह सबसे ऊपर वाला जो ऊन है, देखो सबसे ऊपर वाला जो ये ऊन है, इसे मैंने खींचा, लूप बाहर आ गया। और फिर इस सिलाई पर हम इस तरह डाल दिए, इस तरह डाल दिए। फिर देखो हमारा ये जो ऊन है, ये ऊपर वाला जो ऊन है, सबसे ऊपर वाला इस तरह खींचे और सिलाई को वापस इस लूप जो निकला उसमें डाल दिए। गिरना नहीं चाहिए फ्रेंड्स। इसी तरह मैं पूरा जो जितना है ये पूरा खोल दूंगी, और जितना भी लूप है निकलेगा बाहर, उसे मैं इस सिलाई पे चढ़ा दूंगी। और सिलाई ध्यान रखना फ्रेंड, ये जो सिलाई होता है ये दोनों तरफ से खुला वाला होता है। जो हम लोग गला बनाने में यूज करते हैं, उसका यूज करोगे इजीली बन जाएगा। इसी तरह मैं सारे घर को इस तरह खींच के और इसे डाल दूंगी। फिर देखो ये ऊपर वाला ऊन खींचा और ये सिलाई को डाल दिया। ये अपने आप खींचोगे, अपने आप आपको दिखेगा एक लूप खुला हुआ खुल गया है इस तरह। इसीलिए हम अलग कलर का ऊन यूज करते हैं, ताकि इसे खोलने में आसानी हो। एकदम विपरीत कलर का आप ऊन यूज करना, एक हल्का है तो डार्क, और डार्क से अगर बुन रहे हो तो हल्का कलर का। इसी तरह मैं सारा खोल लूँगी और इस सिलाई पे चढ़ा दूँगी इस तरह, खोलते जाऊँगी फ्रेंड्स। और जब ये धागा काफ़ी लंबा हो जाता है, हमारा खोलने में दिक्कत हो रहा है, तब आप क्या करना, इसे चढ़ा देती हूँ। ये धागा जब आपका लंबा हो जाए, जो खुल रहा है, अगर ये काफ़ी लंबा हो जाए, तो इसे कैंची से यूं कट कर देना, ताकि आपको खोलने में आसानी हो। अब खोलने में मुझे आसानी होगा इस तरह। तो हमने लास्ट तीन बचा है इस तरह। इस
तरह हमारा ये तीन घर खुलकर लास्ट में आ गया। ये तीनों घर में चढ़ा लूंगी। और ध्यान रखना फ्रेंड्स, जिस कांटे पे हम चढ़ा रहे हैं वो कांटा हमारा उस गला बुनने वाला जो दोनों तरफ से खुला होता है वो होना चाहिए। और इस तरह हमने इस कांटे पे चढ़ा लिया है फ्रेंड्स। और इस बात का ध्यान रखना जितना हमारा बुनाई वाले सलाई जो जो सलाई से बुन रही थी जितना लूप इस पर है उतना ही लूप हमें खोलने के बाद इस सलाई पर होनी चाहिए। इसलिए दोनों को काउंट कर लेना। देखो हमने सिलाई काउंट कर दे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28। हमारे इस पे 28 हैं और इस पर भी हमारे 28 होने चाहिए। देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28। हमारे दोनों सिलाई पे 28 है। अब ये जो सीधा सिलाई एक तरफ है एक तरफ उल्टा, अब सीधा को बाहर रखते हुए इस तरह जो उल्टा है उसको अंदर की तरफ इस तरह करके और सीधा को बाहर करते हुए इस तरह हम दोनों सिलाई को फोल्ड कर देंगे। देखो जो उल्टा सिलाई है उसे हमने अंदर कर दिया और जो बाहर उल्टा सिलाई है सीधा सिलाई है वो हमारे बाहर की तरफ आ गया और ये उल्टा सिलाई अंदर की तरफ आ गया। अब क्या करेंगे, इस तरह मोड़ दिए बाहर की तरफ उल्टा सिलाई करके। अब क्या करेंगे, जो अब एक और सिलाई लेंगे जो पूरे दोनों तरफ से खुला होगा फ्रेंड्स। ये सिलाई खुला होना बहुत ज़रूरी है। लास्ट जो इस ये उतार रही हूँ अब तभी आप बुनाई हो सकता है। देखो इसके लिए हम क्या करेंगे, इधर से एक फंदा जिसमें हमारा ऊन लगा हुआ है ये एक फंदा इस पहली सिलाई से लेंगे और दूसरा फंदा जो खुला हुआ सिलाई है उससे लेंगे इस तरह। फिर एक एक फंदा आगे वाले सिलाई से लेंगे और एक फंदा पीछे वाले सिलाई से लेंगे। एक फंदा आगे वाला इस तरह लेंगे, एक सिलाई हमारा आगे रहेगा एक सिलाई पीछे रहेगा, तो एक फंदा हम आगे वाले सिलाई से स्टार्ट करेंगे फिर पीछे वाले सिलाई से एक फंदा लेंगे, फिर ये आगे वाले एक फंदा आगे वाले सिलाई से एक फंदा पीछे वाले सिलाई से इस सिलाई पे चढ़ाते जाएंगे जो कि हमारा तीसरा सिलाई है जो दोनों तरफ से खुला हुआ है। फिर आगे वाले सिलाई से फिर पीछे वाले सिलाई से इसी तरह सारा फंदा मैं इस सिलाई पर तीसरे सिलाई पर चढ़ा लूँगी इस तरह। देखो अगर आपके पास दोनों मुंह वाला सिलाई ना हो जो दोनों तरफ खुला होने वाला तो फिर आप सिंपल सिलाई पर भी चढ़ा सकते हो इस तरह। मैं चढ़ा लेती हूँ पूरा सिलाई। इसका फिनिशिंग फ्रेंड्स काफ़ी अच्छा आता है इस तरह। देखो फ्रेंड्स हमने सारे फंदे को इस सिलाई पर चढ़ा लिया है। अब हमारा लास्ट फंदा दो दो बचा है, पहले आगे वाला फिर पीछे वाला, एक एक फंदा फिर आगे वाला फिर पीछे वाला। अब ये हमारे दोनों दोनों सिलाई का फंदे इस सिलाई पर आ चुका है। इसलिए दोनों तरफ खुला वाला हमने इसलिए सिलाई लिया था कि जब हम चढ़ाते हैं तो ये बुनने वाला धागा हमारा पीछे चला जाता है।
अगर आपके पास खुला वाला ना हो तो आप सिंपल सिलाई पे चढ़ाकर फिर आप एक बार दूसरी सिलाई पर सिंपल पलट लेना, सिर्फ फंदा डालते हुए पलट लेना। क्योंकि हमने आप डबल खुले पर चढ़ाओगे तो इजी होगा आपको बनाना। देखो इसकी फिनिशिंग कितना अच्छा आया है, इसमें बहुत अच्छा फिनिशिंग आया है फ्रेंड्स। देखो कितना अच्छा फिनिशिंग आया है, काफ़ी अच्छा फिनिशिंग आया। अब मैं इस पर सिंपल बॉर्डर आपको तैयार करके बताती हूँ। ये देखो हमारा पहला जो फंदा है वो सीधा है और दूसरा फंदा उल्टा है। तो पहला फंदा आप चाहो तो बुन भी सकते हो और उतार, मैं अक्सर उतार लेती हूँ। अब मैं दूसरे फंदा से स्टार्ट करती हूँ ताकि साइड का जो है वो साइड का जो बुनाई है वो कसता जाए। फिर फंदा आगे कर कर उल्टा बुन लेंगे हम अपना सिंपल जो बॉर्डर बुनते हैं उस तरह। फिर फंदा कर कर आगे करके पीछे कर कर सीधा बुन लेंगे इस तरह, सीधा बुन लेंगे। फिर फंदा आगे करके उल्टा बुन लेंगे, फंदा पीछे करके सीधा बुन लेंगे हम अपना नॉर्मल जो बॉर्डर बुनते हैं वैसा। ये देखो आपको पता है उल्टा उल्टा जो बुनते हैं वो गठान जैसा होता है और सीधा जो बुनते हैं वो चेन जैसा होता है। ये देखो उल्टा फिर सीधा, इसी तरह मैं इस बॉर्डर को तैयार कर लूँगी। अब ये मैं सीधा उल्टा बुनते हुए फ्रेंड्स पूरी सिलाई ख़त्म कर ली। आप ये बॉर्डर ऐसे ही बनता है फ्रेंड्स। अब अपने ज़रूरत के अनुसार सिंपल उल्टा सीधा बुनते हुए आप उल्टा पे उल्टा और सीधा पर सीधा बुनते हुए आप अपने ज़रूरत के अनुसार आप बॉर्डर बना सकते हो। ये देखो अब हमारा सिंपल स्टाइल में बॉर्डर तैयार हो जाएगा। देखो हमारा कितना अच्छा डबल बॉर्डर तैयार हो गया। ये बॉर्डर काफ़ी खूबसूरत लगता है फ्रेंड्स, और मैं एक दो सिलाई बुनकर दिखाती हूँ। इसी तरह मैं पूरा अपना बॉर्डर तैयार कर लूँगी। सीधा हमने पहला सिलाई उतार दिया, पहला फंदा उतारने से ये होता है फ्रेंड कि साइड का जो बुनावट होता है वो टाइट होता है, वो ढीला नहीं पड़ता है इस तरह। अब मैं इसी तरह अपना बॉर्डर पूरा तैयार कर लूँगी और आप भी इसी तरह अपना बॉर्डर तैयार कर लेना। ये काफ़ी आसान तरीका है। अगर आपको कुछ पूछना हो तो आप कमेंट से पूछ सकते हो, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे आप लाइक ज़रूर कर देना फ्रेंड्स। इस तरह हमने दो काटा और बुन दिया उल्टा सीधा बॉर्डर फ्रेंड्स, और बॉर्डर हमेशा थोड़ा ढीला नहीं, एकदम ढीला नहीं बुनते, थोड़ा टाइट भी ज़्यादा नहीं बुनते, लेकिन हल्का टाइट बुनते हैं ताकि ये अच्छा सा फिनिशिंग आए, टाइट सा फिनिशिंग आए नीचे में, ज़्यादा लूज ना हो। और हमेशा उनके मुताबिक ही बॉर्डर बनाते हैं या स्वेटर बनाते हैं। देखो हमारा ऊन कितना पतला है और हमारा काटा जो सिलाई है वो भी इस मुताबिक पतला है। ये देखो फ्रेंड्स हमारा कितना सुंदर बनकर तैयार हो गया, एकदम डबल बॉर्डर है ये, एक बराबर है नीचे से। और देखो कितना सुंदर इसका फिनिशिंग, इस तरह से बनाओगे तो आपका फिनिशिंग काफ़ी अच्छा आएगा, काफ़ी सुंदर आएगा। और इसका उल्टा सीधा कुछ बराबर होता है फ्रेंड्स, आप इधर से भी स्वेटर बुन सकते हो, इधर से भी स्वेटर बुन सकते हो, दोनों तरफ से आप स्वेटर बना सकते हो, जो भी बना सकते हो। और ये काफ़ी सुंदर लगता है देखने में फ्रेंड्स। इसी तरह मैं आपके लिए अच्छी अच्छी बुनना सिखाऊंगी और चीज़ें सिखाऊंगी। थैंक यू फ्रेंड्स।